हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप थोड़ी सी घबरा सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको थोड़ी सी सतर्कता दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप पूरी तरीके से अपने स्मार्टफोन को सेफ रख सकते हैं। आज की वीडियो जो है ये एक साइबर सिक्योरिटी और साइबर हैक के बारे में है। दोस्तों, जैसा कि आजकल हम सब जानते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे लिंक आती है जिसमें ये मेंशन किया रहता है कि आप इस लिंक के थ्रू आप फ्री में 500 GB जियो डाटा प्राप्त कर सकते हैं या फिर एयरटेल की 500 GB डेटा मतलब फ्री में आप ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी लिंक हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप पर बहुत सारी लिंक ट्रेंड करती है और हम सब बिना जांचे परखे इस पर क्लिक कर देते हैं और आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत सारी फाइलें और आपकी प्राइवेसी के साथ ये पूरी प्रोवाइड हो जाती है उन साइबर अटैकों के पास, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल पर आपके स्मार्टफोन जो भी लिंक आती है ये जेन्युइन नहीं रहती। और आज हम इन्हीं साइटों के बारे में बात करेंगे। तो आपकी एक थोड़ी सी गलती आपके स्मार्टफोन को पूरी तरीके से हैक्ड कर सकती है। आपको बता दूं कि मैं कोई हैक वीडियो नहीं बना रहा हूं, ना ही मुझे हैकिंग की कोर्स आती है ना भी और ना ही मुझे हैकिंग की कोई ट्रिक आती है। तो बस मेरे नॉलेज पे ये जो दिखा मैंने समझा कि आप सबको थोड़ा सचेत कर दूं, क्योंकि आजकल हमारे स्मार्टफोन पर ऐसे बहुत सारे फाइलें रहती है, ऐसी हमारी बहुत प्राइवेसी छिपी रहती है जिसे हैक करके हैकरों द्वारा हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं दो तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिससे कि हमारी साइबर सिक्योरिटी सेफ बनी रही और हमारी स्मार्टफोन की जो भी है ये पूरी तरीके से सेफ रह सके। तो आप इन साइटों को कैसे जाँच कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सबों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना, वीडियो आप लास्ट तक देख लेना, शायद आपका ये वीडियो काम आ सके। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबों को पता है कि आपके मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे लिंक आते रहते हैं, वहाँ पे ये मेंशन रहता है कि भैया इस लिंक पर क्लिक कर लो, आपको मिल जाएंगे 500 GB फ्री में जियो की तरफ से। और दूसरी लिंक आ जाती है, उसमें ये लिखा रहता है कि प्रधानमंत्री की तहत से राहत कोष के थ्रू आप सबों के खाते में 2000 रुपये भेजा जा रहा है, इस लिंक से आवेदन कर लें। तो इस तरीके से बहुत सारी फर्जी साइटें चलती रहती है और ट्रेंड पे चलती रहती है व्हाट्सएप पे। तो इन साइटों को आप कैसे चेक कर सकते अपने क्रोम ब्राउजर के थ्रू कि ये भाई लिंक जो है ये सिक्योर है या नहीं, तो इसके चेक करने के दो मुख्य हैं। तो आप दोनों टाइप्स से चेक कर सकते हैं। पहली जो तरीका आ जाती है, आप चाहें तो उस साइट की लिंक से ही सीधे चेक कर सकते हैं, और दूसरी जो तरीका है ये है कि आप सिक्योर साइट चेकर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहली तरीका है, मैं एक मूवी देखना चाहता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया मूवी का नाम, और जो मूवी था मेरा यहाँ पे क्वांटिजन, ये मूवी मुझे देखनी थी और यहाँ पे मुझे एक साइट में दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं online.flip.html.5 जो भी है ये लिंक, मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट खुलकर आ जाती है, ऊपर आपको एक आई का बटन मिल जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। इस आई पर आप जब क्लिक करेंगे तो हाँ, इन्होंने ये साफ मेंशन कर रखा है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, यानी कि भैया इन्होंने ये बता दिया कि इस कनेक्शन की जो साइट सिक्योर है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप इस पर किसी भी तरह से डेबिट कार्ड लेन देन कोई भी क्रेडिट पासवर्ड किसी भी तरह से ना डालें, ये आपके लिए प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो ये पहली तरीका है, और हम बात कर लेते हैं इसी में कि कौन सी कनेक्शन सही रहती है। तो जिस साइट पे लॉक की ऑप्शन मिल जाएगी, समझ लीजिए वो साइट पूरी तरीके से सिक्योर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक की ऑप्शन मिल जाती है और यहाँ पर ये पूरी तरीके से ये साइट सिक्योर है। इसी तरीके से लॉक मिल गई मतलब वो साइट सिक्योर है, और लॉक नहीं मिली यानी कि आई बटन पे कुछ लिख दिया वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, तो समझ लिए वो साइट सिक्योर नहीं। अब दोस्तों आप बात करेंगे कि दूसरे तरीके से कैसे चेक किया जाए। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा है, सर्च कर देना है सिक्योर साइट, यहाँ पर फिर चेक कर चेक, ठीक है, सिक्योर साइट चेक सर्च कर देना है गूगल पे, अपने क्रोम ब्राउजर से ही करिएगा, और दूसरा ब्राउजर भी है तो आप उससे भी कर सकते हैं लेकिन क्रोम ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट चेकर.secure.net, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा साइट ऊपर पे लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब ये साइट पूरी तरीके से सिक्योर है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और जो भी साइट आपको सिक्योर ना लग रही है वो साइट आपको यहाँ पे डाल लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट को दिखा देता हूँ, flip.com, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्च वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वीक है हमारा यहाँ पे कनेक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की साइट मैंने यहाँ पे सर्च करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सिक्योरिटी जो रिक्स है वो मीडियम सिक्योरिटी रिक्स है। यानी कि इस साइट में अभी भी ये फुलफिल यानी कि फुल का फुल ग्रीन नहीं है, इसमें भी थोड़े बहुत अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन ये आने वाले समय में ये सुधार कर लेगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक साइट जो है, ये मैं अमेजोन यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, amazon.com ये सर्च वेबसाइट, और यहाँ पे मैं नीचे स्लाइड करके जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ग्रीन है, यानी कि मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ कि भैया ये पूरी तरीके से ये साइट जो है ये बिल्कुल सेफ है। इसमें आपको किसी भी तरह की प्राइवेसी जाने की मतलब आपको किसी भी प्राइवेसी का खतरा नहीं है, आप इस साइट पर बेझिझक कोई भी काम कर सकते हैं। तो यही दो तरीका है जिससे आप सिक्योर रह सकते हैं। दोस्तों हैकिंग की कोर्स अगर आपको सीखनी है तो टेक्निकल सागर वो बहुत इथिकल हैकिंग के बारे में बता देते हैं, तो आप उसके चैनल पर जा करके आरामी से सीख सकते हैं। छोटे मोटे हैकिंग कोर्स भी वो कुछ रुपए लेकर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप जाइए टेक्निकल सागर को और अच्छी अच्छी जानकारी वो देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।